हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लिनोहुमेरल जॉइंट। ग्लिनोहुमेरल जॉइंट कौन सा होता है? जो ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसे हम ग्लिनोहुमेरल जॉइंट बोलते हैं। ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस बोन, ठीक है, इसके बीच में ये जॉइंट बनता है। सो दैट इज द ग्लिनोहुमेरल जॉइंट ऑफ आर बॉडी। अब इसकी स्टेबलाइजेशन के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, क्या स्टेबिलिटी होती है इसकी? जो हमारा ये जॉइंट है, हमारा पूरा का पूरा जो अपर लिम्ब है वो इस एक जॉइंट के सहारे नीचे लटका रहता है, ठीक है। अगर मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रही हूँ तो ये नीचे रहता है। अब हमें ये पता है कि ग्रेविटी नाम की कोई एक चीज़ होती है जो हर किसी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं या कोई भी चीज़ है उसको धरती की तरफ खींचती है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ये जो मेरा जॉइंट है ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, ये डिस्प्लेस क्यों नहीं होता है, क्या ऐसा रीज़न है या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये वहीं का वहीं मेरी बॉडी से अटैच रहता है, नॉर्मली स्टेबिलिटी में भी, मतलब स्टैटिक्स उसमें भी, और मूवमेंट करते टाइम भी ये अपनी जगह पर ही रहेगा, उसका हेड ग्लिनॉइड कैविटी से बाहर नहीं निकलता, ऐसा क्यों होता है? तो उसके बहुत से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं और हमारी बॉडी की बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में, आपके हेड को और ग्लिनॉइड को एक जगह पर स्टेबल रखने में उसका काम करते हैं, ठीक है। अब इसके दो होते हैं, स्टैटिक स्टेबिलिटी, मतलब कि जब स्टेबल है उस टाइम पर कैसे फिक्स्ड रहेगा, और जब मैं मूवमेंट कर रही हूँ, डायनेमिक स्टेबिलिटी, उस टाइम पर क्या फैक्टर्स रहेंगे उसको फिक्स्ड रखने के, वो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। नहीं हो रही है, ऐसे है मेरा जॉइंट, अब इस पोजीशन में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे जॉइंट को स्टेबल रख रहे हैं वही का वही, कि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा। वो चार फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला, पुल ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। हमें पता है कि यहां से एक हमारी मसल आती है सुप्रास्पाइनेटस, जो कि आपके शोल्डर को या फिर आपकी ह्यूमरस को ऊपर की तरफ खींचती है। यहां से ऐसा पुल जाता है सुप्रास्पाइनेटस का, और बेशक एक छोटी मसल होती है, बहुत बड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ते भी नहीं है, लेकिन सुप्रास्पाइनेटस का पुल इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो अनबैलेंस्ड रहे, मतलब कि अगर ग्रेविटी ना हो उसको पैरेलल करने के लिए, तो वो पूरे के पूरे आपकी ह्यूमरस को ऊपर की तरफ खींच लेगी। इतना ज़्यादा पुल होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल का, ठीक है। तो पुल ऑफ सुप्रास्पाइनेटस और हमारा रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, मतलब कि जो हमारा एंटीरोलेटरल और एंटीरोमीडियल कैप्सूल होता है शोल्डर जॉइंट का, हर जॉइंट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, जो कि आपके जॉइंट के साथ मूव करती है और आपके जॉइंट की मोबिलिटी को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है कि कौन से एरिया में या कौन से डायरेक्शन में आपका जॉइंट जो है वो ज़्यादा मोबाइल रहेगा या कौन से डायरेक्शन में कम मोबाइल रहेगा। ये चीज़ आपका कैप्सूल डिसाइड करती है कि कौन से एरिया में वो लैक्स है, कहाँ पे वो टाइट है, तो उसके अपोजिट वाला मूवमेंट कम होगा, जहाँ लैक्स है उसके अपोजिट वाला मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो अब जो हमारा एंटीरियर वाला कैप्सूल होता है उसका पुल, ठीक है, उसकी टाइटनेस वो डिसाइड करती है। अब ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये मिलके क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे ये मेरा जॉइंट है तो यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर क्या होता है, इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर ऑफ कैप्सूल, मतलब कि ये जो इसके अराउंड एक कैप्सूल रहती है, अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर रहता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। पॉजिटिव प्रेशर तो क्या है कि मैं बाहर को धक्का दे रही हूँ, ठीक है, वो पॉजिटिव प्रेशर है, लेकिन नेगेटिव प्रेशर क्या है कि मैं अंदर को खींच रही हूँ, वो एक नेगेटिव प्रेशर है, मतलब कि अंदर की तरफ को प्रेशर क्रिएट रहता है हमारे कैप्सूल के अंदर जॉइंट में। अब वो जो अंदर की तरफ को नेगेटिव प्रेशर क्रिएट रहता है वो मेरे जॉइंट को, मेरे हेड को और ज़्यादा ग्लिनॉइड के अंदर की तरफ लेब्रम में खींचता है, वो एक फैक्टर होता है। तो ये थर्ड फैक्टर है। चौथा फैक्टर है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ ग्लिनॉइड एंड स्कैपुला। हमारी जो स्कैपुला है और जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो थोड़ा सा हमने देखा है कि एंटीरोमीडियल रहती है और हल्का सा डाउनवर्ड्स को टिल्टेड रहती है, ठीक है। तो उसकी जो ओरिएंटेशन रहती है वो भी इस तरह से होती है कि आपका जो हेड है वो ऊपर और नीचे या फिर अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा ना खिसके। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं ये मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी स्टैटिक स्टेबलाइजेशन में, ओके। अब हम इसकी फिजिक्स के बारे में, बायोफिजिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसे काउंटर करता है।
तो ये रहा हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है हमारे लिम्ब पे, वो नॉर्मल बोलते हैं इसको, डिनोटेड एज एन, ठीक है, नॉर्मल फिजिक्स में. अब ये जो नॉर्मल है, मतलब कि ग्रेविटी जो मेरे इस लिम्ब को डायरेक्टली परपेंडिकुलर नीचे की तरफ खींच रही है, जो फोर्स लग रहा है, इसको वापस से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए ताकि स्टेबल हो सके. इक्विलिब्रियम पढ़ा है हमने, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरी बॉडी को लगाना पड़ेगा ताकि इसमें कोई भी मूवमेंट ना हो जॉइंट में, ये स्टैटिक रहे, ठीक है, स्टेबल रहे. अब वही इसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है हमारा सुप्रा स्पाइनेटस और रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, इसके इस डायरेक्शन में, मतलब यहां पे ग्रेविटी तो यहां इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां पर हमारा सुप्रा स्पाइनेटस का और कैप्सूल का पुल लगेगा. अब ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो इसका एकदम मिडल से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, मतलब इन दोनों अपोजिंग फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स बनता है, अगर हम देखें कि ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, और ये हमारा बनेगा F0, ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है. तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स बनता है, ये कौन सी डायरेक्शन में बनता है, यहाँ अंदर को, टूवर्ड्स द मीडियल साइड ऑफ योर बॉडी, सेंटर ऑफ योर बॉडी. तो वो रिजल्टेंट फोर्स आपकी शोल्डर जॉइंट को अंदर की तरफ ग्लीनॉइड में खींच के रखता है, जिसकी वजह से इसका डिसलोकेशन या फिर इंफीरियर सबलक्सेशन नहीं होता. तो ये है हमारे स्टेटिक स्टेबिलाइजेशन ऑफ जीएच जॉइंट, ठीक है. अब इसके बाद हम बात करेंगे डायनेमिक स्टेबिलाइजेशन ऑफ जीएच जॉइंट. डायनेमिक स्टेबिलाइजेशन क्या है, कि अब यहाँ है, इधर ग्रेविटी वर्क कर रही है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो हाँ इक्वल हो गया, नलीफाई हो गया वो फोर्स, अंदर को लग गया, ठीक है. लेकिन डायनेमिक में क्या होगा, कि मैं मूवमेंट कर रही हूँ, अब इस मूवमेंट थ्रू आउट द होल आर्क ऑफ द मोशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ग्रेविटी सिर्फ एक जगह पे एक ही डायरेक्शन में काम नहीं कर रही है, ठीक है, ऐसे लाइन परपेंडिकुलर नहीं बन रही. अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अलग अलग जगह पर पूरी जो है मूवमेंट में अलग अलग जगह पर फोर्स लग रहा है और पूरा काइनेटिक मोशन हो रहा है. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो कि इस डायनेमिक मोशन के थ्रू मेरी जॉइंट को स्टेबल रखेंगे, कि यहाँ तक भी आने तक मेरा जॉइंट जो है वो खसके ना, या फिर उसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, पूरी मूवमेंट के थ्रू वो वहीं रहे. कौन सी ऐसी मसल्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायनेमिक स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. अब जब मूवमेंट हो रही है तब भी चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ह्यूमरस को हमारे ग्लीनॉइड में फिक्स्ड रखते हैं, ठीक है. यहाँ पर कोई नेगेटिव प्रेशर या ये सब काम नहीं आ रहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मसल्स काम कर रही है, क्योंकि एक्टिवली कौन मूव करता है, या एक्टिव स्टेबिलाइजेशन कौन कर सकता है, हमारी मसल. एक तरह से पैसिव स्टेबिलाइजेशन जो है वो हमारा कैप्सूल कर सकता है, लेकिन एक्टिव स्टेबिलाइजेशन में हमारी मसल्स काम करेंगी, ठीक है. तो वो कौन कौन सी मसल्स हैं जो कि ड्यूरिंग द डायनेमिक मोशन हमारे जॉइंट को स्टेबल रखती है, ठीक. पहली तो भी हमारी डेल्टॉइड मसल, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो. तो डेल्टॉइड के पुल के बारे में देखते हैं कि हमारा डेल्टॉइड जो है वो कैसे स्टेबल करता है. सबको पता है कि डेल्टॉइड के तीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, एक यहाँ से एंटीरियरली, एक मिडल फाइबर और एक पोस्टीरियर फाइबर, ठीक है. तो ये तीनों ही अपना अपना रिजल्टेंट फोर्स बनाते हैं, ठीक है. तीनों जो है अपना अपना फोर्स लगाएंगे. अब तीन लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, एक ये आगे से लगा रहा है एंटीरियर डेल्टॉइड, एक पीछे से लगा रहा है पोस्टीरियर डेल्टॉइड, और एक बीच में से लगा रहा है. अब आगे वाला और पीछे वाला जो फोर्स है, लेट अस से कि F1 और F2, ये जो है एड ऑन हो जाता है हमारे मिडल डेल्टॉइड के फोर्स में, ठीक है. क्योंकि ये हमने देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो भी बनता है, हमने स्टैटिक में भी पढ़ा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमेशा बीच में बनेगा, है ना. तो एंटीरियर का और पोस्टीरियर का भी दोनों फोर्सेस एड अप होके जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे हैं वो मिडल डेल्टॉइड के पुल के साथ एड होकर ऊपर को यहाँ ऐसे खींचता है हमारे शोल्डर को या फिर हमारी ह्यूमरस को, ठीक है. ये हमारा डेल्टॉइड मसल का पुल है. अब हमारे डेल्टॉइड मसल का पुल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर इसको स्टेबिलाइज करने के लिए कोई भी और चीज नहीं है तो ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर खींच लेगा, मतलब कि हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो सुपीरियरली ट्रांसलेट हो जाएगा और सीधा एक्रोमियन पे हिट करेगा, ठीक है. अब इस चीज को हम कैसे कैंसल आउट करते हैं, ग्रेविटी यहाँ पे वर्क नहीं कर रही इतना, ठीक है. ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ हम एक्टिव मोशन की बात कर रहे हैं. तो अगर मोशन में ये इतना ज्यादा ऊपर खींच लेगा तो क्या होगा, आपका शोल्डर ऐसे जाएगा कि ऐसे चला जाएगा, है ना.
अगर इसको अपोज करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है तो आपका शोल्डर सीधा ऊपर खींचेगा और एक्रोमियम पे हिट करेगा, और जिसकी वजह से हमको क्या होगा, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, ठीक है, शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकती है। तो इसको काउंटर कौन करता है, हमारी रोटेटर कफ मसल। हमारी रोटेटर कफ मसल्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी न्यूमोनिक है सिट्स, ठीक है, सिट्स मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये चार मसल जो है हमारे शोल्डर जॉइंट के अराउंड रहती हैं और एक कफ टाइप का बना लेती हैं, इसको पूरा कम्प्लीटली कवर करती हैं, जिसको जिसकी वजह से ये स्टेबल रहता है और रोक के रखती हैं उसको, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट पुल है हमारे रोटेटर कफ मसल के, टेरिस माइनर का इस तरफ, ये सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस। तो इसका डेल्टॉइड का जो ऊपर को या मिडल में ये जो पुल लग रहा है, इसको नीचे की तरफ ऐसे यहां पे खींच रही है हमारी रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है। इसको अंदर की तरफ जो है मीडियल साइड को हमारी रोटेटर कफ मसल्स खींचती हैं, ठीक। और साथ ही साथ ये एक और काम कराती हैं, कौन सा ऐसा काम है, जब हम अबडक्शन कर रहे हैं, हमने पता है कि डेल्टॉइड मसल जो है वो अबडक्शन का काम कराती है, तो जब हम अबडक्शन कर रहे हैं तो कभी भी आप ऐसे इस तरह से करके देखो, यहीं तक जाएगा, ठीक है, लेटरली रोटेट कराती है हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस को या शाफ्ट को, जिसकी वजह से कंप्लीट अबडक्शन जो है वो अचीव हो पाए, ठीक। तो हमारी रोटेटर कफ मसल्स क्या काम करती हैं, पहली बात तो उसके पुल को काउंटर करती हैं ड्यूरिंग द मोशन, और दूसरी चीज क्या करती है कि इधर रेंज तक आ करके उसको लेटरली रोटेट कराती हैं, ताकि आपका अबडक्शन मोशन जो है वो पूरा हो सके। अगर वो नहीं होता है, मान लो कि लेटरल रोटेशन जो होना चाहिए ड्यूरिंग अबडक्शन वो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ये ऐसे में ही ये हेड जो है वो आपके अक्रोमियन पे इम्पिंज कर रहा है उस पर, ठीक है, बार बार करके यहाँ पर आके हिट कर रहा है। अब उसके बीच में जो भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो बर्सा है, चाहे हमारे रोटेटर कफ के टेंडन्स हैं, तो वो जो है उसमें इम्पिंजमेंट होगी, ठीक है। ये हमारा एक्रोमियन, ये हमारा हेड, ये ऊपर जाते जाते इस पर हिट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इम्पिंजमेंट होगी, जिसकी वजह से शोल्डर इम्पिंजमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि सुपीरियर डिसलोकेशन हो जाए, ठीक है। उस चीज को काउंटर करती है हमारी रोटेटर कफ मसल्स। अब बाकी की दूसरी मसल सुप्रास्पाइनेटस, वही रोटेटर कफ का पार्ट है, ठीक है, ऊपर की तरफ को खींचती है, काउंटर करेगी आपकी ग्रेविटी को ड्यूरिंग द डायनेमिक मोशन ऑल्सो, ठीक। तो सुप्रास्पाइनेटस का अपना वही काम है जो कि स्टैटिक स्टेबिलाईजेशन में था, वही काम उसके डायनेमिक स्टेबिलाईजेशन में है। नेक्स्ट आ गई हमारी बाइसेप्स टेंडन। बाइसेप्स टेंडन कहाँ पे होती है, एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, जो हमारा काम एंटीरियर इंटरवल कैप्सूल कर रहा था, वही काम बाइसेप्स टेंडन करती है डायनेमिक स्टेबिलाईजेशन में, ठीक है। एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड उसको रोकती है बाइसेप्स टेंडन, जिसकी वजह से मोशन के दौरान कोई भी मोशन हो, आपका जो हेड है वो एंटीरियरली डिसलोकेट नहीं होता, तो बाइसेप्स का टेंडन क्या करेगा, उसको डिसलोकेट होने से रोकेगा। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस है, उस मसल का पुल इतना ज्यादा होता है या इतना फोर्स लगाती है कि वो इंडिपेंडेंट मोशन कराने के योग्य होती है पूरे जॉइंट का, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये पूरा मोशन करा सकती है। तो अगर हमारी जो सुप्रास्पाइनेटस है इसमें वीकनेस हो जाए या फिर इसकी पैरालिसिस हो जाए, तो क्या होता है, हमारा जो जॉइंट है उसका मोशन खत्म हो जाएगा। बहुत हद तक आपका सुप्रास्पाइनेटस उसका मोशन कराती है, और जॉइंट का मोशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगर सुप्रास्पाइनेटस मसल फंक्शनिंग नहीं है तो। इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल फॉर आर शोल्डर जॉइंट, ठीक है, इतना ज़्यादा पुल होता है। सेम विद डेल्टॉइड, डेल्टॉइड के तीनों फाइबर्स मिलके कंप्लीट अबडक्शन कराने में सक्षम रहते हैं, लेकिन क्योंकि ह्यूमरल हेड यहाँ पर आकर फंस जाता है एक्रोमियन में, उसके नीचे से उसको क्लियर करने के लिए, सब एक्रोमियल बर्सा, सब एक्रोमियल स्पेस में से उसको क्लियर करने के लिए हमको लेटरल रोटेशन करवाना पड़ता है, जो कि रोटेटर कफ मसल कराती है, जिसकी वजह से हम कंप्लीट अबडक्शन अचीव कर पाते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टेटिक स्टेबिलाईजेशन, और इसी के साथ हमारा स्टेबिलाईजेशन ऑफ क्लिनोह्यूमरल जॉइंट खत्म होता है। थैंक यू।